नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPSS Academy में। और एक बार फिर से हम लोग GS के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हम लोगों ने हिस्ट्री के अभी हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखे थे। अभी इस वीडियो में भी हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी सभी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है, तो उसका नाम है हम लोग अभी पाषाण काल के बारे में जो है, जितने भी क्वेश्चन हैं आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, और नए भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि मेसोलिथिक संस्कृति, मेसोलिथिक या फिर मध्य पाषाण काल भी इसको बोल सकते हैं, तो मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल एक भीमबेटका स्थल है। काफ़ी देखिए चर्चित स्थल है, एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है, तो वहाँ पे आपका पड़ता है भीमबेटका स्थल पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों को मैच करने हैं। चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ पे रहते थे, देखिए ये उनके आवास स्थल दिए हुए हैं साइड में, और ये टाइम पीरियड देगा। तो पूरा पाषाण काल जब काल चल रहा था, तो उस समय लोग कहाँ पे रहते थे, तो सबसे पुराना पूरा पाषाण काल ये, तो यहाँ पे हम लोग जो रहते थे लोग, तो वो रहते थे शैलाश्रय अधिवास। शैलाश्रय अधिवास क्या होता है कि यानी कि जो है पहाड़ों की गुफाओं में, शैलाश्रय अधिवास बोला जाता था पहाड़ों की गुफाओं को। दूसरा आता है कि मध्य पाषाण काल में लोग कहाँ पे रहते थे, तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, गुफाओं से निकलकर बाहर लोग आ चुके थे, और वो अब रहने लगे थे नदी के तट पर, यानी कि उनको पानी की आवश्यकता होती थी, तो वो नदी के तट पर जो है रहने लगे थे। अब जब नवपाषाण काल की बात आ गई, तो नवपाषाण काल वाले कहाँ पर रहने लगे, तो जब मैदानी इलाके में आ गए, तो उन्होंने मैदानी इलाकों में क्या हुआ कि मिट्टी के अंदर ही घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो गर्त आवास में रहते थे, यानी कि मिट्टी को खोद कर गड्ढे में वो जो है रहने लगे। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ, ये तो आप ताम्रपाषाण काल आप हड़प्पा संस्कृति या फिर हड़प्पा सभ्यता से इसको जोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे लोग रहने लगे थे कच्चे एवं पक्के मकानों में। तो ये उनके रहने का विकास है, तो किस तरीके से हुआ ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगला हम लोग क्वेश्चन हमारा जो है, वो यहाँ पे मैप दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको मैप में फिल करना है कि कौन सा जो साइट है हमारी, तो वो कौन सी साइट कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि दिए हुए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 चिन्हित स्थलों को जो है यहाँ पे सुमेलित करना है। तो आपका जो बुरझोम है, आपका ऑप्शन नंबर ए, आपको बुरझोम यहाँ पे, बुरझोम आपका पड़ता है कहाँ पर, कश्मीर पर। तो जो आपका नंबर एक है यहाँ पे आपका पड़ता है बुरझोम। सेकंड आता है बी चिरान, चिरान आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका बिहार में पड़ता है, तो बिहार की ये लोकेशन हो गई आपकी 2 नंबर। नागार्जुन कोंडा जो है आपका, ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में, यानी कि नंबर 3 पर आपका पड़ेगा नागार्जुन कोंडा। पेरियम पट्टी, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये आपकी लोकेशन हो गई पेरियम पट्टी की। तो ये हम लोगों ने लोकेट कर लिए हैं, इस तरीके से आपको लोकेट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि दक्कन के ऐश टीले, ऐश टीले क्या होता है, राख के टीले, तो प्रदर्शित करते हैं। देखिए आप लोगों ने कई बार बुक में पढ़ा होगा कि इस स्थल से राख के टीले मिले हैं, तो राख के टीले बस आप लोगों को इतना ही पता होगा, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा आखिर ये राख किस चीज़ की बनी होती थी। अगर आपको ये चीज़ पता होती, ये चीज़ अगर आपको पता लग जाए, तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं कि राख आखिर में होती किस चीज़ की थी। देखिए होता क्या था कि जैसे कि जब पशुपालन होता था, आप अगर अभी भी देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा गांव से आपका अभी जुड़ाव है, तो आप देखेंगे कि जो पशुपालन होता है, गाय भैंसे जो पाली जाती हैं, तो उनका जो गोबर जो होता है, मलबा, जो कूड़ा वगैरह, तो वो एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता था। तो इकट्ठा करने के बाद में उस टाइम पे क्या होता था कि जब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जब टीले हो जाते, तो उसमें आग लगा दी जाती थी उसको ख़त्म करने के लिए। तो वही जो टीले हैं, वही राख के टीलों में तब्दील हो जाता था, वो गोबर आप जिसको बोलते हैं, वो जो है राख के टीलों में तब्दील हो जाता था। तो राख के टीले मिलने का मतलब है कि वहाँ पर आपको पशुपालन के साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं, इस तरीके से वहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ पर राख के टीले मिले हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पशुपालन होता था। तो यही अब इतना आपको पता लग गया, तो आप इससे आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नवपाषाण युग में मवेशी रखने वाले लोगों की बस्ती के अवशेष वहाँ पर मिले हैं, जहाँ पर भी आपको ऐश के टीले यानी कि राख के टीले मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये अब राख के टीलों वाला क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। चलिए 35 पे आते हैं कि भारतवर्ष में किस स्थान पर जो है प्राग ऐतिहासिक ज्योति हुई भूमि खोजी गई। तो जो हमारा प्राग ऐतिहासिक टाइम पीरियड था, वहाँ पे क्या होता था,
कि कहीं कहीं पे जब खुदाई हुई है स्थलों की, तो वहाँ पर जुती हुई भूमि, अब इस तरीके से नहीं जितना वर्तमान में जिस तरीके से जोती हुई जाती है, लेकिन हाँ वहाँ पे एक अनुमान लगाया गया कि ये जो है भूमि जोती गई, क्योंकि वहाँ पे क्यारियाँ वगैरह खेतों में जो आजकल बनती हैं, तो कुछ उसका जो है अनुमान लगा के वहाँ पे क्या गया, यहाँ पे जुताई होती थी। तो ये साक्ष्य जो हम लोगों को मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है, ये आपका पड़ता है राजस्थान में। देखिए जितने भी स्थल हैं आपको पता होना चाहिए कि ये स्थल कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर किस जो है डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं आप लोग याद रख सकते हैं, हाँ लेकिन किस प्रदेश में है इतना आप लोगों को कम से कम याद होना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि कौन सा, अगर आपको इतना मालूम है कौन सा लोकेशन कहाँ पे किस स्टेट में है, तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपका कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा स्टेट है। लोथल आपका जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है, रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है, धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। ये सब चीज़ें भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। 36 नंबर कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल, अन्न उत्पादक स्थल कौन सा है, मेहरगढ़ पूछा है कि कहाँ पर अवस्थित है। अब मेहरगढ़ की लोकेशन पूछ ली है तो आपको पता होना चाहिए कि मेहरगढ़ जो है कहाँ पे स्थित है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये कहाँ पर है, ये आपका वर्तमान में देखेंगे तो पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान की बेलन घाटी में ये जो है लोकेटेड है। अब बेलन घाटी कहाँ, आप पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान का जो पंजाब का एरिया है वहाँ पे आपको मिल जाएगी बेलन घाटी, या फिर बेलन नदी मिल जाएगी वहाँ पे, तो वहीं पे आपका पड़ता है मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर कह रहा है कि भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो व्यवस्थित कृषि का जो साक्ष्य प्रमाण होता है भारत में, तो वो होता है, देखिए पहले तो भारत और तो पाकिस्तान एक ही था, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा मेहरगढ़ से, क्योंकि प्राचीन काल में थोड़ी हमारा पार्टीशन हुआ था, तो बाद में हुआ, तो उस समय जो भारत पाकिस्तान सब एक ही था, तो मेहरगढ़ तब भारत में ही शामिल था, तो भारत में ही जो है व्यवस्थित कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 38 नंबर कह रहा है कि सराय नाहर राय और मेहदहा जो है वो संबंधित है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर किस घाटी में संबंधित है। तो ये हमारा पड़ता है गंगा, गंगा की जो घाटी है हमारी, मध्य पाषाण काल के जो हैं ये स्थल है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये जो सराय नाहर राय और मैदा हैं, ये नव पाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं, या पूरा पाषाण काल के, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे डी भी ऑप्शन है कि गंगा घाटी की नव पाषाण कालीन संस्कृति थे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये स्थल जो है मध्य पाषाण काल के हैं या फिर नव पाषाण काल के हैं, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को नोटिस करनी चाहिए। तो फिलहाल ये जो है गंगा की मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति थी उससे संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। वही तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, अगर ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे तो हमारा मेहरगढ़ आंसर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो दी गई है इसको भी आप लोगों को इसको भी देखना चाहिए कि हाल ही में खोजे गए जो साक्ष्य अनुसार प्राचीनतम कृषि साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं लहुरादेव से, और लहुरादेव आपका कहाँ पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है। तो अभी अगर ऑप्शन में लहुरादेव और मेहरगढ़ दोनों आ जाए तो आपको लहुरादेव लगाना है, अगर मेहरगढ़ सिर्फ है तो मेहरगढ़, अगर लहुरादेव है तो सिर्फ मेहरगढ़, तो आपको प्रेफरेंस लहुरादेव को देनी है, सेकेंड नंबर पर मेहरगढ़ लगाना है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कपास जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो मिला है आपका मोहनजोदड़ो से आपको मिला है कपास का साक्ष्य। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो है स्थल जैसे कि हड़प्पा दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो ये कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, मेहरगढ़ पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये सब पाकिस्तान में पड़ते हैं, तो ये भी आप लोगों को साथ ही साथ देख लेने चाहिए। क्वेश्चन आया तो आप लोगों को एक एक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए ऑप्शन में कि ये स्थल जो है कहाँ का है। तो इस तरीके से जब आप लोग जैसे कि क्वेश्चन भले ही आप एक ही, आपने ये सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से, बाकी आपके जो तीन ऑप्शन है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो क्वेश्चन आपका सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो इन पे भी थोड़ा नज़र रखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती, किसकी धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है किस पुरातात्विक स्थल से मिला है। यहाँ पे धान की खेती का अगर बात करें तो सबसे प्राचीनतम स्थल जो मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, कोल्डी हवा से ही धान यानी कि चावल का जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि
निम्न में से किस एक स्थल से जो है जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की फसलों की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? जंगली और बोई जाने वाली। एक जंगली का मतलब जो स्वतः ही जो है उत्पन्न हुई और बोई गई, यानी कि कहीं ना कहीं कृषि का जो है यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। तो ये दोनों ही चीज़ें कहाँ पे मिली हैं? तो ये दोनों ही मिली हैं आपको बेलन घाटी में। बेलन घाटी आपकी कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है आपकी यूपी में। बेलन घाटी आपकी यूपी में पड़ती है। अब बात करें बागोर की, तो बागोर जो प्लेस है ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका राजस्थान में पड़ता है। आहाड़ जो संस्कृति, ये भी आपकी राजस्थान में पड़ती है। आदमगढ़ की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरीके से आप जो देखते चले जाएंगे प्लेसेस को, तो आपकी एक के साथ में आपके कम से कम 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं इस तरीके से। 43 नंबर कह रहा है कि भारत में कुछ क्षेत्रों में जो है लोग ज़मीन के अंदर यानी कि गड्ढों में रहते थे, तो इस बात का संकेत खुदाई करता है। तो ये चीज़ें कहाँ पे आपको, कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेंगी? देखिए, तो पिछले वीडियो में मैंने भी इस पे काफ़ी चर्चा की थी, तो इसमें भी मैं आपको बता दूँ, ये जो कश्मीर की जो स्थल है उनकी जब खुदाई हुई, तो वहाँ पे पता लगा कि लोग गड्ढों के घर काफ़ी निकले हैं, तो कश्मीर में जो है लोग गड्ढों के घरों में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 44 नंबर, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? यहाँ पे कह रहा, तो अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो वहाँ पे कुल्हाड़ी, गंडासा और बिदारणी मिले हैं, सेल्ट जो है वहाँ पर नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा कि सेल्ट जो है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग, किसकी बात हो रही? पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, तो यानी कि पुरापाषाण काल की बात हो रही है यहाँ पे। तो पुरापाषाण काल में सबसे जो औजार बनते थे वो किस चीज़ के बनते थे? तो ये बनते थे आपके स्फटिक के। सेलकड़ी, गोमेद और इंद्रगोपी, ये सब बाद में चीज़ें स्टार्ट हुई, सबसे पहले स्फटिक के ही बनते थे औजार। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? तो जब अगर कुल्हाड़ियों की बात करें, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुल्हाड़ियों से ही बात, जब अगर बात करें कि पुरातात्विक खुदाई की सबसे पहले बात आती है, तो रॉबर्ट जो ब्रूस फुंड थे, उन्होंने ही सबसे पहले तमिलनाडु के जो अतिरुप्पक्कम या फिर जो था, तो वहाँ से देखेंगे कि उन्होंने जब सबसे पहले रेलवे के लिए उनको जो ईंटें चाहिए थी, तो उन्होंने खुदाई की, तो वहाँ पे उनको एक्स हैंड जो है एक उपकरण मिला था। तो उसके बाद में जब खुदाई की, तो वहाँ पे पता चला कि ये तो एक पुरापाषाणकालीन साइट है, तो अतिरम्पक्कम या इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन जो है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो चलिए हम लोग कथन पढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में जो है अधिकतर जो कृषि स्थलीय, अधिकतर किसकी बात हो रही है? कृषि स्थलों की। तो कृषि स्थलों से जो है नवपाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल सही बात है, नवपाषाण काल में ही जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से तो कृषि स्थल जो है वो नवपाषाणकालीन उपकरण भी वहाँ से प्राप्त होंगे, तो ये तो हमारा सही है। यहाँ पे इन्होंने कारण क्या दिया है कि स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास हो। तो सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास ये कोई ज़रूरी नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सूक्ष्म पाषाण नहीं, बड़े, ये ज़रूरी नहीं है कि छोटे छोटे पत्थरों का ही यूज़ हो, उसमें बड़े पत्थरों का भी यूज़ होता है, ये ज़रूरी नहीं था। तो हमारा कारण यहाँ पे गलत हो जाएगा। और क्या, एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ पत्थर से ही खुदाई नहीं हो सकती, और भी कई तरीके हैं वहाँ पे, और तांबे की भी वहाँ पे हो सकता है, और लकड़ी का भी यूज़ हो सकता है, सूक्ष्म पाषाण उपकरण ही जो है उसके विकास का उपयोग नहीं हो सकता। कारण गलत है हमारा, ए जो है सही है, वो हमारा आर जो है वो गलत हो जाए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राख के टीले, तो आप लोगों को राख के टीले के बारे में मैंने बताया कि राख के टीले किस चीज़ के थे, तो गोबर के बने हुए थे। किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित हैं? तो अच्छा, ये जो है राख के टीले आपको कहाँ पे ज़्यादातर मिलेंगे? तो ये आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे। आपको दक्षिण भारत में इस तरीके का कल्चर वहाँ पे मिलता था कि वहाँ पे जो लोग पशुपालन करते थे, उनका गोबर इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 49 नंबर, उसको देखते हैं कि मध्य पाषाण कालिक जो संदर्भ में वन्य धान किसका है? वन्य धान यानी कि जंगली धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिलता है चौपानी मांडो से। ऑप्शन नंबर ए जो है, चौपानी मांडो से वन्य धान का प्रमाण मिलता है। अच्छा, बात करें चौपानी मांडो है कहाँ पे, देखिए जो
अभी वर्तमान में अगर चौपानी मांडू की बात करें तो ये पड़ता है प्रयागराज में, बेलन घाटी में। इसको जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये बेलन घाटी के अंतर्गत आता है, और पड़ता कहाँ पे है आपका, प्रयागराज में पड़ता है। सराय नाहर राय ये यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है, ये भी यूपी में पड़ता है। लेखैया की अगर बात करें तो लेखैया यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ता है। लंगनाज की अगर बात करें तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। तो ये सब चीज़ें देखिए, अगर आप लोगों को नहीं ये जानकारी है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि लंगनाज कहाँ पे। ये मैं साथ ही साथ बता देता हूँ कि लंगनाज, लेखैया, सराय नाहर, चौपानी मांडू, ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं। तो आप इन लोग इन चीज़ों को नोट भी कर लीजिए, अगर आप चाहें तो वीडियो को दोबारा से देख कर भी इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है। तो मैं उम्मीद पूरी करता हूँ कि एक एक करके सभी प्लेसेस आपको बता दूँ। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो करा है कि निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से गर्त आवास के जो है प्रमाण मिले हैं। तो गर्त आवास हमारे कश्मीर से मिले हैं, तो कश्मीर में जो साइट थी वो कौन सी थी, बुरजोम। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, क्योंकि बुरजोम से ही आप देखेंगे गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे कुत्तों के साथ में भी मानव को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। चिरांद आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है बिहार में, और ये जो दाउजले हेडिंग जो है ये आपका पड़ता है असम क्षेत्र में, मारतंड ये आपका कश्मीर क्षेत्र में ही पड़ता है। तो उम्मीद है इनको भी आप लोग नोट करते जाइए साथ ही साथ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ रही है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो अब देखेंगे कि ये ददरिया, गुगेरिया, कायथा, ये सभी सभी और नागदा, ये सभी के सभी जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कि प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके नागदा से प्राप्त हुए हैं, MP के नागदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि रॉबर्ट ब्रूसफुंड को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिले थे, तो ये जो है हमारे मिले थे 1863 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 53 नंबर की रॉबर्ट ब्रूसफुंड जो थे जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाण उपकरण की खोज की थी, तो वो मूलतः क्या थे। तो आपके ऑप्शन है कि पुरा वनस्पति शास्त्री थे, एक पुरातत्वविद थे, या फिर एक भूवैज्ञानिक थे, या फिर एक इतिहासकार थे। तो वो कौन थे, वो एक भूवैज्ञानिक थे, और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिल जाएगा एक भूवैज्ञानिक और एक पुरातत्वविद, दोनों ही मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, एक भूवैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाण कालीन जो है स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं। देखिए ऐसा जो ऐसी कौन सा जो लोकेशन ऐसी पूछी गई थी कि जहाँ पे आपको तांबा का तो यूज़ मिल रहा है लेकिन वहाँ पे पत्थरों के उपकरणों का उपयोग नहीं मिल रहा है, तो ऐसा जो हमारा साइट है वो कहाँ पे है। तो ऐसी चीज़ें आपको आहाड़ में देखने को मिल जाएंगी, आहाड़ जो साइट थी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे तांबे का उपयोग होता था, यानी कि ताम्र पाषाण का, यहाँ पे आपको ताम्र पाषाण कालीन, ताम्रकालीन ही स्थल थी, ना कि ताम्र पाषाण काल। एक ताम्र पाषाण काल वर्ड जो यूज़ होता है वहाँ पे तांबे और पत्थर दोनों का, ताम्रकालीन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ तांबे का जो है वहाँ पे यूज़ होता था। तो ये यूज़ होता था आहाड़ में। आहाड़ आपका कहाँ पे पड़ता है, आहाड़ आपका पड़ता है राजस्थान में। और अगर बात गिलुंद की करें, गिलुंद आपका पड़ता है राजस्थान में, गिलुंद भी आपका राजस्थान में पड़ता है। कायथा आपका MP में पड़ता है। नवदा टोली ये भी आपका MP में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 55 नंबर, पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, पूछ रहा है। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या है कि जो है, तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। पूर्व पाषाण काल के लोग जो है कोर उपकरणों का, पालिशदार कुल्हाड़ियों का यूज़ नहीं होते थे, पालिशदार कुल्हाड़ियाँ तब नहीं थी पूर्व पाषाण काल में। पशुपालन का साक्ष्य भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये तो आप देखें कि मध्य पाषाण काल के अंत में जो है पशुपालन का साक्ष्य मिला, और नव पाषाण काल में इसका जो है डेवलपमेंट ज़्यादा हुई थी। वह लघु पाषाण उपकरणों का भी जो है उपयोग करता, तो ये सही बात है, लेकिन ये जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था, लेकिन पूर्व पाषाण काल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर वह कोर उपकरणों का ही प्रयोग करता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलन घाटी से प्राप्त औजार जो है किस काल से संबंधित है। तो जो बेलन घाटी कहाँ पे आपकी पड़ती है, बेलन घाटी आपकी पड़ती है यूपी में। तो जो बेलन घाटी से औजार प्राप्त हुए वो किस काल से संबंधित है, आपके ऑप्शन है वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, हड़प्पा काल, या फिर निम्न पुरा पाषाण काल। तो ये जो संबंधित है ये निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित थे, बेलन घाटी में जो औजार प्राप्त हुए हैं।
वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सोहन घाटी का संबंध किससे है, तो सोहन घाटी से क्या मिला है। तो यहाँ पे आपको निम्न पुरापाषाणकालीन जो है स्थलों का जो है खुदाई में स्थल प्रकट हुए हैं निम्न पुरापाषाण काल के। सोहन घाटी आपकी कहाँ पर पड़ती है, पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है मैचिंग का क्वेश्चन, इसको भी हम लोग मैच कर लेते हैं। तो PGW, जिसको PGW इसको बोलते क्या है, चित्र दूसर मृदभांड जो होते हैं इसको ही PGW बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो चित्र दूसर मृदभांड आपको कहाँ से मिले हैं, मृदभांड का मतलब आपको मैंने कल भी बताया था कि पोइट्री होता है, पोइट्री का मतलब जहाँ पे वो खाने पीने का सामान, एक जो अभी हम लोग देखते हैं एक घड़ा जो हम लोग देखते हैं जो पानी के लिए जो भरा जाता है, तो उसका एक बड़ा स्वरूप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा, तो जिसमें वो खाने पीने का सामान अपना रखते थे उसको ही मृदभांड बोला जाता था। तो चित्र दूसर मृदभांड ये आपको कहाँ पे मिले हैं, ये आपको मिले हैं हड़प्पा युग में, हड़प्पा युग में मिले हैं। और काले एवं लाल मृदभांड, जहाँ पे काले और लाल कलर के कहाँ पे मिले हैं, ये आपके मिले हैं पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग में मिले हैं आपको। और नेक्स्ट हमारा कि उत्तरी काले पालिस वाले मृदभांड जो हैं ये हमारे कहाँ पे मिले हैं, तो ये मिले हैं हमारे मौर्य युग में, मौर्य काल में हम जो पॉइट्री मिली है उस पर काली पॉलिश जो है उस पर की गई है RPW। अब लाल पॉलिश वाले जो मृदभांड मिले हैं ये कब मिले हैं, तो लाल पॉलिश मिली है हम लोगों को गुप्त काल में। चलिए हम लोगों ने मैचिंग कर लिया, अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखिए मैचिंग का ही क्वेश्चन है। तो विलियम जोन्स कौन थे, तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और मार्टिमर व्हीलर की बात करें तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। कॉलिन मैकेंजी की अगर बात करें तो कॉलिन मैकेंजी जो है भारतीय सर्वेक्षण से संबंधित हैं। और SD संगालिया ने दक्कन कॉलेज से संबंधित हैं, SD संगालिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए मैप दिया हुआ है और मैप में आपको प्लेसेस फिल करने हैं। यहाँ पे आ गया जिनमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल हैं जो आपको चिन्हित करने हैं, कौन सा स्थल कहाँ पे है, किसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये आपका मैप है, देखिए यहाँ पे आप वर्तमान मैप देखेंगे तो ये आपका गुजरात वाला रीजन पड़ता है, ये इस तरीके से ये चला गया वर्तमान में। तो इसके इस तरफ ये जो आपका ये इलाका पूरा है पाकिस्तान का, और इसके ये जो है मैंने बाउंड्री जो खींची है पहले गुजरात वाली, ये भारत का इलाका। तो जो हमारा पहला स्थल है, पहला की बात करें तो यहाँ पे कौन सा चीज़ आएगी, तो इसको हम लोग प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पड़ता है मेहरगढ़, तो पहले नंबर पे मेहरगढ़ आएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये हमारा किस में, भारत के अंदर इलाका आ गया। तो भारत के अंदर ये जो दूसरा है ये कहाँ पे है, ये हमारा राजस्थान का इलाका है और यहाँ पे पड़ेगा आपका कालीबंगा। तो ये लोकेशन किसकी है, कालीबंगा की। नंबर तीन देखें, देखिए ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है और यहाँ पर पड़ेगा आपका कोटा डीजी। और यहाँ पर 4 नंबर जो आपका गुजरात का ही रीजन है, यहाँ पर पड़ेगा आपका सुरकोटडा। ऑप्शन नंबर बी आपको मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटा डीजी और सुरकोटडा हम लोगों ने जो है फिलअप कर लिया, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, 61 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा जो है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको तो क्वेश्चन आप लोगों को गलत करना ही नहीं है, भीमबेटका जो है प्राग ऐतिहासिक से पूछा जाए, पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल से पूछा जाए, सीधा आपको भीमबेटका ही लगानी है। बाघ और अजंता ये आपको मौर्यों, और अजंता तो आपको बाद में गुप्तों के टाइम पे मिल जाएगी, अमरावती तो आपको जो है सातवाहनों के टाइम पे, ये सब चित्रकला के देखे जा सकते हैं नमूने। भीमबेटका आपको जो है पाषाण काल से नवपाषाण काल में जो है यहाँ पे इसके चित्रकला के अवशेष मिले हैं। 62 नंबर कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ से पाई गई, तो ये भी भीमबेटका ही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है 63 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, कि निम्न में से कौन से स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पे शैल चित्र मिले हुए हैं। देखिए इन सभी स्थलों में भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़, इन सभी में ही जो है शैल चित्रों के लिए ये सब प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। तो आज के बस हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो जानकारी दी गई है, क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी जो आपको मिली है, तो इससे आपको जो है दोबारा अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको भूलेंगे नहीं और आसानी से कर लेंगे। और इनके ही जो आपको इधर उधर थोड़ा करके नए क्वेश्चन बना भी दिए जाएंगे तो उनको भी आसानी से आप कर लेंगे। चलिए मिलते, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, इसी तरीके की वीडियो और भी चाहिए तो हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य क्वेश्चनों के साथ में।